यहाँ पर हम देखें जैसे कि द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे एंड लेंस लॉ आर समराइज्ड इन दी फॉलोइंग इक्वेशन। तो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इसको किसमें समराइज किया गया है, इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। यहाँ पर हम देखें कौन सा करेक्ट रिलेशन है यहाँ पर, जैसे कि वी इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस एम, ये यहाँ पर करेक्ट रिलेशन है। लीकेज फ्लक्स पर यूनिट करंट, लीकेज फ्लक्स पर यूनिट करंट इज कॉल्ड इंडक्टेंस, लीकेज फ्लक्स पर यूनिट करंट इज कॉल्ड इंडक्टेंस। रिलक्टेंस टॉर्क इन रोटेटिंग मशीन इज प्रेजेंट, तो रोटेटिंग मशीन में रिलक्टेंस टॉर्क कब प्रेजेंट होता है, ये एयर गैप इज नॉट यूनिफॉर्म, जब एयर गैप नॉट यूनिफॉर्म यानी यूनिफॉर्म नहीं होगा एयर गैप, तब यहाँ पर रोटेटिंग मशीन के अंदर रिलक्टेंस टॉर्क का प्रेजेंट होता है। द नंबर ऑफ स्लिप रिंग ऑफ ए सिंगल फेज एंड थ्री फेज कन्वर्टर आर रेस्पेक्टिवली, तो स्लिप रिंग की जो नंबर्स हैं सिंगल फेज के अंदर क्या होता है और थ्री फेज के कन्वर्टर के अंदर क्या होता है, सिंगल फेज के अंदर 2 होता है स्लिप रिंग का और थ्री फेज कन्वर्टर के अंदर 3 होता है स्लिप रिंग का। नेक्स्ट हम देखें फॉर ए फुल पिच वाइंडिंग द जनरेटेड वोल्टेज इन बोथ कॉइल स्लाइड्स आर, तो फुल पिच वाइंडिंग के अंदर जनरेटेड वोल्टेज है बोथ स्लाइड के अंदर वो कैसा टाइप का होगा, तो जनरेटेड वोल्टेज है बोथ स्लाइड के अंदर वो यहाँ पर एग्जैक्टली 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होगा। विच स्टेटमेंट इज ट्रू विद रेस्पेक्ट टू दी मोटर इंस्टॉलेशन, तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है विद रेस्पेक्ट टू दी मोटर इंस्टॉलेशन, तो मोटर इंस्टॉलेशन की बात करें यहाँ पर तो ऑल इक्विपमेंट यूज इन दी पावर वायरिंग शैल बी ऑफ आयरन क्लैड, तो यहाँ पर मोटर इंस्टॉलेशन के लिए हम कह सकते हैं कि जितने भी इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं पावर वायरिंग में वो आयरन ग्लेड होने चाहिए। नेक्स्ट हम देखें जैसे ये गलत है, वुड वर्क इज यूज फॉर माउंटिंग स्विच गियर, ये गलत है। लूपिंग ऑफ कंडक्टर इज यूजुअली मेड, ये गलत है। लेंथ ऑफ फ्लेक्सिबल कंडक्टर इज मोर देन 3 मीटर, ये भी गलत है। विच इज ओनली द श्योर प्रूफ ऑफ टेस्टिंग द क्वालिटी ऑफ मैग्नेट, तो मैग्नेट की क्वालिटी चेक करने का एकदम सॉलिड तरीका क्या है, वो है रिपल्सन, रिपल्सन से हम उसकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं। फोर डायलैक्ट्रिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू, तो डायलैक्ट्रिक के लिए फ्लक्स की वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल होती है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, तो डायलैक्ट्रिक के लिए फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड। व्हाट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द मशीनरी, तो मशीनरी से इलेक्ट्रिकल यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को रिमूव करने के लिए या फिर हमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को रिमूव करना है मशीन से, तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर हमें फ्रेम को ग्राउंड करने की जरूरत पड़ेगी, फ्रेमिंग दी ग्राउंड वर्क हैज टू बी डन, फ्रेमिंग ग्राउंडिंग दी फ्रेम वर्क हैज टू बी डन। नेक्स्ट हम देखें व्हाट इज इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग प्रीफर्ड, यानी इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग क्यों प्रीफर की जाती है, व्हाई इज इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग इज प्रीफर्ड, तो यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग है वो स्मूथ है, दूसरा इसका मेंटेनेंस कॉस्ट है वो लेस होता है इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग का, और तीसरा यहाँ पर एनर्जी इज सेव्ड इन दी रीजनरेटिव ब्रेकिंग, और यहाँ पर एनर्जी है सेव होती है रिजनरेटिव ब्रेकिंग में, इसलिए हम इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग है यूज करते हैं या प्रीफर करते हैं। नेक्स्ट देखें जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, तो यहाँ पर बात करें पहला तो है कंपोजिशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ डीजल इंजन एंड डीसी सीरीज मोटर, ये गलत है। कंपोजिशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ डीजल इंजन एंड एसी सिंगल फेज मोटर, ये भी गलत है। तीसरा यहाँ पर देखें इन ए कंपोजिट सिस्टम सिंगल फेज पावर रिसीव्ड इज कन्वर्टेड इनटू डीसी एंड थ्री फेज पावर इनटू एसी सिस्टम, ये यहाँ पर सही है। कंपोजिट सिस्टम के अंदर सिंगल फेज पावर है उसको हम डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं और थ्री फेज पावर है उसको हम एसी में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हम देखें द लॉ दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट ऑलवेज अपोज द क्यूज विच प्रोड्यूस इट इज डिस्कवर्ड बाय, तो ऐसा लॉ कौन सा है जो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो हमेशा उस चीज का अपोज करता है जिसकी वजह से उसकी उत्पत्ति हुई है, वो है लेंज लॉ। नेक्स्ट हम देखें इफ ऑल द स्टेटर कॉइल ऑफ मोटर आर कनेक्टेड फॉर द सेम मैग्नेटिक पोलैरिटी देयर विल बी फॉर्मड एन इक्वल नंबर ऑफ, तो यहाँ पर क्या होगा
there will be form an equal number of consequent pole with opposite polarity. तो consequent pole with opposite polarity आएगा. If all the stator coil of motor की all the stator coil है वो connected कर दिए जाए with the same magnetic polarity. So there will be formed an equal number of consequent pole with opposite polarity. Next time देखें, जैसे कि जो concentrating ring है 1, 2 carrying equal and uniform charge density. Concentrating ring 1 and 2 है यहाँ पर carrying equal and uniform charge density revolving at the same angular speed omega about their common axis passing through as shown in the figure. The ratio of flux density due to the two ring at O will be. तो flux density का ratio यहाँ पर क्या होगा दोनों के लिए. तो दोनों के लिए अगर flux density का ratio हम देखें तो दोनों के लिए यहाँ पर जैसे कि ये A speed से कर रही है ये distance पर, दूसरी है 2a डिस्टेंस पर कर रही है, तो डिस्टेंस का यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा. तो यहाँ पर जो रेशियो है फ्लक्स डेंसिटी का वो 1:1 बनी रहेगा. नेक्स्ट हम देखें, जैसे व्हाट इज मीन बाय मैग्नेटिक सैचुरेशन ऑफ आयरन. आयरन का मैग्नेटिक सैचुरेशन से क्या मतलब है यहाँ पर. स्ट्रेंथनिंग द मैग्नेटिक फील्ड बाय यूजिंग आयरन, ये गलत है यहाँ पर. द पार्ट ऑफ मैग्नेटाइजेशन कर्व इन विच चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एच क्यू इज द लिटिल चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वी. तो यहाँ पर ये सही है. मैग्नेटिक सैचुरेशन ऑफ आयरन का मतलब क्या है कि ये वैसा पार्ट है मैग्नेटाइजेशन का. द पार्ट ऑफ द मैग्नेटाइजेशन कर्व इन विच द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ में अगर हम चेंज करते हैं तो यहाँ पर किसमें चेंज आ जाता है, यहाँ पर लिटिल चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी में भी यहाँ पर चेंज आ जाता है जब हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ में चेंज करते हैं. नेक्स्ट हम देखें, द आयरन लॉस पर यूनिट फ्रीक्वेंसी इन ए फेरोमैग्नेटिक कोर. आयरन लॉस पर यूनिट फ्रीक्वेंसी इन ए फेरोमैग्नेटिक कोर व्हेन प्लॉटेड अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी. तो जब इसको प्लॉटेड अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी, इसको फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट प्लॉट किया जाता है, तो यहाँ पर आयरन लॉसेज हैं वो किसके दिए जाएंगे यहाँ पर. तो आयरन लॉसेज हैं स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप होगी. आयरन लॉसेज पर यूनिट फ्रीक्वेंसी इन द फेरोमैग्नेटिक कोर व्हेन प्लॉटेड अगेंस्ट द फ्रीक्वेंसी इट इज स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप. जैसे कि हमारा आयरन लॉसेज है वो कैसे निकालते हैं, पी आई आयरन लॉसेज इक्वल टू के इन टू टी स्क्वायर प्लस के एच की पा के एच इन टू एल. तो यहाँ पर अगर फ्रीक्वेंसी का हम भाग भी देते हैं, जैसे कि यहाँ पर के एच इन टू एफ स्क्वायर है, यहाँ पर एफ है, अगर फ्रीक्वेंसी का भाग भी देते हैं जैसे कि पी आई डिवाइड बाई एफ, तो ये वैल्यू आ जाएगी के एच प्लस के ई एफ. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इट इज रिसेंबल्स द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन. तो ये यहाँ पर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनती जाती है यहाँ पर पॉजिटिव स्लोप के साथ में. नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि क्या दिया हुआ है, इफ द लेंथ ऑफ बार ऑफ मैग्नेट इज इंक्रीज बाय 20% एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज डिक्रीज बाय 20% देन द रिलक्टेंस इज. तो रिलक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज कर दिया है और लेंथ है मैग्नेटिक मटेरियल की वो इंक्रीज कर दी है. तो यहाँ पर हम देखें कि रिलक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, रिलक्टेंस इक्वल टू 1/μ0, ये रिलक्टेंस होता है. अब यहाँ पर दो बार चेंज हुआ है, एक तो H2/S1, ये रिलक्टेंस हम पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन में निकालनी है. पहली कंडीशन में रिलक्टेंस है A1 into L2/L2 into A1. इसके अकॉर्डिंग हम निकालें तो L2 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर रखी है 1.2L1, यानी इंक्रीज कर दी 20%. और एरिया है A2 की वैल्यू ये दे रखी है 0.8A1, यानी कि डिक्रीज कर दिया 20%. तो इसके अकॉर्डिंग अगर H2 की वैल्यू हम निकालें तो S1 into A1/L1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.2 into L1/0.8A1. तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1.5S1 है. अब हमें निकालना है इसमें कितना रिलक्टेंस इंक्रीज हो गया है.
पहले था हमारा S1 ओनली, अब 1.5 हो गया है, तो हम निकाल सकते हैं यानी कि S2 माइनस S1 डिवाइड बाई S1 इंटू 100 से निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा 50% इंक्रीज हो गया है। नेक्स्ट हम देखें, इलेक्ट्रिक मोटर मे गिव नॉइस ड्यू टू, तो इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर नॉइस किस वजह से आ सकती है? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आ सकती है, डिफेक्टिव बेयरिंग की वजह से आ सकती है, कूलिंग एयर की वजह से भी आ सकती है। द प्रिंसिपल ऑफ डायनेमिकली इंड्यूड ईएमएफ इज यूटिलाइज्ड इन, तो डायनेमिकली इंड्यूड ईएमएफ है, प्रिंसिपल ऑफ डायनेमिकली इंड्यूड ईएमएफ का इसको यूटिलाइज कहाँ पर किया जाएगा? उसको हम जनरेटर में यूज करते हैं, डायनेमिकली इंड्यूड ईएमएफ का प्रिंसिपल है उसको। नेक्स्ट हम देखें, जैसे ए 4 पोल जनरेटर विद 16 कॉइल हैज 2 लेयर लैप बाइंडिंग, द पोल पिचेज, तो यहाँ पर क्या है, पोल पिच हमें निकालनी है, तो पोल पिच कैसे निकालेंगे? स्लॉट डिवाइड बाई पोल से हम निकाल सकते हैं पोल पिच, स्लॉट डिवाइड बाई पोल, तो यहाँ पर पोल है, स्लॉट डिवाइड बाई पोल में हमारा देखें 2 लेयर बाइंडिंग अगर हमें दे रखी है यहाँ पर, 4 पोल जनरेटर विद 16 कॉइल 2 लेयर लैप बाइंडिंग, तो 2 लेयर लैप बाइंडिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर ऑफ आर्मेचर स्लॉट है वो नंबर ऑफ कॉइल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, स्लॉट यहाँ पर दे रखे हैं 16, तो पोल पिच की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर पोल पिच इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 4, तो यहाँ पर आ जाएगी पोल पिच 4। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि ए सेंटर्ड 0 एमीटर कनेक्टेड इन ए रोटर सर्किट ऑफ 6 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर मेक्स 30 ऑसिलेशन इन 1 मिनट देन दी रोटर स्पीड, तो रोटर स्पीड हमें निकालनी है यहाँ पर, सेंटर 0 एमीटर कनेक्टेड रोटर सर्किट दे रखा है यहाँ पर, और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यानी 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर है उसकी वजह से यहाँ पर 30 ऑसिलेशन 1 मिनट हमें दे रखा है, रोटर स्पीड हमें निकालनी है, तो रोटर स्पीड कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हमें 30 ऑसिलेशन 1 मिनट के अंदर दे रखा है, इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी आएगी हमारी वो हम निकालेंगे, 30 डिवाइड बाई 60 यानी फ्रीक्वेंसी जो आएगी यहाँ पर इंडक्शन मोटर की फ्रीक्वेंसी आएगी यहाँ पर, जैसे जैसे सबसे पहले तो हमने यहाँ पर निकाली फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आगे हमारी 30 रेगुलेशन दे रखा है 1 मिनट, अब हमें रोटर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो रोटर फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो क्या है, रोटर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्लिप टाइम फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ से स्लिप हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमारी जो रोटर फ्रीक्वेंसी ये आ रही है हमारी 0.5 डिवाइड बाई नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी 50, तो इसके अकॉर्डिंग जो स्लिप की वैल्यू है ये आ जाएगी हमारी 0.01। अब ये स्लिप आ गई है, सिंक्रोनस स्पीड हम निकाल सकते हैं, सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एन एस इक्वल टू 120 F/P, तो इससे आ जाएगी 120 इंटू एफ की वैल्यू 50 डिवाइड बाई पी, पी यहाँ पर कितना है 6, तो इसके अकॉर्डिंग आ गया 1000 RPM। अब हमें यहाँ पर स्लिप का जो फार्मूला है, स्लिप इक्वल टू एन एस माइनस एन आर यानी रोटर स्पीड डिवाइड बाई एन एस, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे एन आर की वैल्यू यानी रोटर स्पीड हम निकाल सकते हैं, स्लिप की वैल्यू होगी 0.01 इक्वल टू 1000 एन एस की वैल्यू माइनस के एन आर डिवाइड बाई 1000, तो इससे हमारी एन आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 990 RPM, तो 990 RPM हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे ये क्वेश्चन है, एरिया ऑफ स्टेस स्लूप रिप्रेजेंट, हिस्टेस लूप का एरिया है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर हिस्टेसिस लूप है ये हिस्टेसिस लॉस को ही रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटर दे रखी है एंड लोड यानी TM है मोटर के लिए और ये TL है लोड के लिए, टू केसेस शोन इन फिगर, द टॉर्क लोड टॉर्क इज इक्वल टू द मोटर टॉर्क, PQRS पर लोड टॉर्क है, PQRS पर लोड टॉर्क है इक्वल टू है मोटर टॉर्क के, तो हमें बताना है स्टेबल पॉइंट, यहाँ पर बताना है कि स्टेबल पॉइंट कौन सा होगा, तो स्टेबल पॉइंट की बात करें, स्टेबिलिटी
जैसे सबसे पहले हम पी पॉइंट पर स्टेबिलिटी चेक करते हैं कि पी पॉइंट पर स्टेबल नहीं है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम देखें, ड्यू टू सम डिस्टरबेंस इफ ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट स्लाइटली, अगर कुछ डिस्टरबेंस की वजह से ये ऑपरेटिंग पॉइंट स्लाइटली डिस्टर्ब करता है, जैसे कि मान लो अबव पी पॉइंट पर जाता है, अबव पी पॉइंट इधर जाता है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, अबव पी पॉइंट जाते ही यहाँ पर टीएम की वैल्यू टीएल से ज़्यादा हो जाएगी, टीएम की वैल्यू यहाँ पर टीएल से ज़्यादा हो जाएगी। जैसे ही अबव जाएगा तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि स्पीड है इंक्रीज हो जाएगी, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, स्पीड है इंक्रीज हो जाएगी, स्पीड इंक्रीज। और नेक्स्ट हम देखें बिलो पी पॉइंट, जब देखते हैं बिलो पी पॉइंट यहाँ पर टी एम की वैल्यू है वो लेस देन है टी एल से, इसका मतलब हमारी स्पीड है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो पी पॉइंट से अगर ऊपर जाते हैं तो इंक्रीज हो जाती है, पी पॉइंट से नीचे जाते हैं तो डिक्रीज जाती है, इसका मतलब कह सकते हैं इट विल रिमेन इट्स ओरिजिनल पॉइंट। तो हम कह सकते हैं कि ये अपना ओरिजिनल पॉइंट पर रहेगा, तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये अपने ओरिजिनल पॉइंट पर रहेगा। और पी और एस यहाँ पर क्या है, पी और एस दो स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट है। नेक्स्ट हम देखें, इसी तरीके से हम क्यू पर हम देखें, पी के बाद में क्यू स्टेबल है कि नहीं है। जैसे ही हम क्यू से बात करें, ड्यू टू दिस सम डिस्टरबेंस इफ द ऑपरेटिंग पॉइंट स्लाइटली अबव, तो अबव पी पॉइंट जाएगा यहाँ पर, अबव पी पॉइंट जाएगा तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि टी एम की वैल्यू है वो टी एल से ज़्यादा हो जाएगी। अबव पी पॉइंट जाते हैं तो क्यू पॉइंट जाते हैं, टी एम की वैल्यू टी एल से ज़्यादा हो जाएगी, यानी स्पीड इंक्रीज होगी। और बिलो क्यू आते हैं तो यहाँ पर टी एम की वैल्यू है टी एल से ज़्यादा होगी, अगर बिलो क्यू भी आते हैं तो भी यहाँ पर बिलो क्यू ही आ रहे हैं हम यहाँ पर, तो भी टीएम की वैल्यू टीएल से ज्यादा है, यानी कि स्पीड डिक्रीज हो रही है, टीएम की वैल्यू टीएल से ज्यादा है यानी डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इट विल नॉट रिमेन इट्स ओरिजिनल पॉइंट, तो ये ओरिजिनल पॉइंट पर नहीं रहे, यानी बढ़ रहा है तो भी टीएम की वैल्यू टीएल से ज्यादा है, अगर ये बिलो है तो भी टीएम की वैल्यू है टीएल से ज्यादा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि क्यू पॉइंट पर ये अनस्टेबल है। जैसे आर पॉइंट पर हम देखते हैं, आर पॉइंट की बात करें, ड्यू टू सम डिस्टर्बेंस इफ द ऑपरेटिंग पॉइंट स्लाइटली अबव द आर, अगर आर से ऊपर जाता है ये अबव द आर, तो यहाँ पर टी एम की वैल्यू है टी एल से ज्यादा हो जाएगी, टी एम ग्रेटर देन टी एल अबव आर जाता है, तो जैसे यहाँ पर जाएंगे तो टीएम की वैल्यू टीएल से ज्यादा होगी तो स्पीड इंक्रीज होगी। और इससे बिलो आर आते हैं यानी कि इधर की साइड आते हैं, तो यहाँ पर टीएम की वैल्यू है टीएल से ज्यादा होगी, यहाँ पर भी बिलो आर आएंगे तो भी इसका मतलब स्पीड है डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ पर भी ओरिजिनल पॉइंट पर कॉन्स्टेंट नहीं रहता आर के लिए भी। इसी तरीके से हम एस के लिए चेक करेंगे, और एस पर भी स्टेबल रहेगा, यानी टी एम की वैल्यू टी एल से ज़्यादा होगी, स्पीड एक बार इंक्रीज होगी, स्पीड एक बार डिक्रीज होगी, और ये ओरिजिनल पॉइंट पर रहेगा। तो दो ही पॉइंट है एस और पी जो कि स्टेबल रखते हैं। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग एंड शॉर्ट कॉर्डिंग एम्प्लॉय इन ए सी मशीन ब्रिज रेजेंटेड। तो शॉर्ट कॉर्डिंग यहाँ पर ए सी मशीन की जाती है, डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग यहाँ पर ए सी मशीन में की जाती है, तो इसका मतलब क्या है, रिडक्शन इन बोथ ई एम एफ एंड हारमोनिक्स। डिस्ट्रीब्यूटेड फैक्टर फॉर द एंथ हारमोनिक्स इज गिवन एज, तो यहाँ पर के डी की वैल्यू क्या दी जाएगी, के डी इक्वल टू साइन एम एन बीटा डिवाइड बाई टू डिवाइड बाई एम साइन एन बीटा डिवाइड बाई टू, ये होगी यहाँ पर।
एम है वो है हमारा स्लॉट पर पोल पर फेज, स्लॉट है पर पोल पर फेज। एम क्या है? स्लॉट पर पोल पर फेज। और बीटा है यहाँ पर स्लॉट पिच, बीटा क्या है? स्लॉट पिच। और अकॉर्डिंग फैक्टर फॉर दी एन हार्मोनिक्स हम देखें तो अकॉर्डिंग फैक्टर है यहाँ पर एन हार्मोनिक्स के लिए, वो भी अगर हमें निकालना हो तो के सी अकॉर्डिंग फैक्टर फॉर दी एन हार्मोनिक्स क्या आ जाएगा? कॉस एन अल्फा डिवाइड बाई टू, ये यहाँ पर अल्फा है ये अकॉर्डिंग एंगल आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग के अंदर क्या होता है, शॉर्ट डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग एंड शॉर्ट कोडिंग एम्प्लॉयड इन द एसी मशीन विल रिजल्ट इन रिडक्शन बोथ ईएमएफ एंड हार्मोनिक्स। तो ईएमएफ भी रिड्यूस होगा, हार्मोनिक्स भी रिड्यूस होगा। नेक्स्ट हम देखें, विद द इंक्रीज इन एन केडी एज वेल एज एंड केसी डिक्रीज, सो वी कैन से दैट कोडिंग रिड्यूस द हार्मोनिक्स आल्सो एन इक्वल टू वन के, यानी का जो बाइंडिंग फैक्टर है डिस्ट्रीब्यूटेड फैक्टर है वो लेस देन वन होगा। और डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कोडिंग प्रोसेस आल्सो रिड्यूस द फंडामेंटल इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो फंडामेंटल इंड्यूस्ड ईएमएफ को भी आप रिड्यूस कर देंगे क्योंकि जो फेज वोल्टेज होता है के डब्ल्यू एन टू 4.44 FTP के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं। तो यहाँ पर रिडक्शन इन द फंडामेंटल ईएमएफ इन स्मॉल व्हाइल देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द मैग्नीट्यूड ऑफ हार्मोनिक्स। नेक्स्ट हम देखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क ऑफ ए ड्राइव एंड इट्स कनेक्टेड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क ऑफ ए ड्राइव एंड इट्स कनेक्टेड लोड टॉर्क टी एल एज शोन बिलो। तो यहाँ पर हम देखें, आउट ऑफ ऑपरेटिंग ए बी सी डी द स्टेबल वन इज, ए बी सी डी में स्टेबल कौन सा है यहाँ पर? तो बात करें फॉर स्टेबल पॉइंट गिवन टॉर्क स्पीड ग्राफ, यहाँ पर हम देखें फॉर स्टेबल पॉइंट इज गिवन टॉर्क स्पीड ग्राफ एट ए पॉइंट व्हेन स्पीड डिक्रीज, एट ए पॉइंट व्हेन स्पीड डिक्रीज द टॉर्क शुड बी मोर देन टी एल, यानी कि जब स्पीड डिक्रीज होगी तो हम कह सकते हैं स्पीड डिक्रीज होगी तो ये टी की वैल्यू है टी एल से ज्यादा होगी। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है, अगर स्पीड डिक्रीज होगी इसका मतलब टी है उसकी वैल्यू टी एल से ज्यादा है, स्पीड डिक्रीज होगी तो। और हम कह सकते हैं इसकी वजह से, सो दैट इट कुड स्विंग बैक टू इट्स ऑपरेटिंग स्पीड इफ द स्पीड इंक्रीज टी शुड बी लेस देन द टी एल, अगर स्पीड इंक्रीज होगी तो टी ई है यहाँ पर लेस देन टी एल होगा, तो टी की वैल्यू लेस देन डिग्री टी एल होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर, सो दैट द स्पीड कैन डिक्रीज बैक टू द ऑपरेटिंग स्पीड, तो यहाँ पर स्पीड है दोबारा से ऑपरेटिंग स्पीड बन की जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ए सी डी, ए सी और डी, तो ए है यहाँ पर एक सी पॉइंट है और एक डी पॉइंट है, ये सब क्या है? ए सी डी आर स्टेबल पॉइंट एंड दी स्टेबल ऑपरेशन पॉइंट इज ऑब्टेंड फॉर मोटर, मोटर के लिए कब प्राप्त किया जाएगा? जैसे डी डिवाइड बाई डी ओमेगा एम है, ये टी एल की वैल्यू है ग्रेटर देन होनी चाहिए, डी डिवाइड बाई डी ओमेगा एम टी ई से ग्रेटर देन होनी चाहिए, तब मोटर के लिए हम क्या कर सकते हैं? स्टेबल पॉइंट प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन सही है? ए सी डी तीनों ऑप्शन सही है यहाँ पर, ए सी डी। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि यहां पर दिया हुआ है टू मैग्नेटिक पोल्स रिवॉल्व अराउंड ए स्टेशनरी आर्मेचर कैरिंग टू कॉइल सी वन सी टू एंड सी टू सी टू।
As shown in the figure, consider the instant when the pole are in position as shown in the figure. Identify the correct statement regarding the polarity of the induced EMF in this instant of coil C1 and C2. तो हमें यहाँ पर करेक्ट जो भी यहाँ पर क्या है स्टेटमेंट है उसको यहाँ पर फाइंड करना है. तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो सकता है, तो यहाँ पर C1 की बात करें, इन C1 जैसे ये यहाँ पर दे रखा है, ये C1 है, C1 के अंदर क्या होगा डॉट आएगा, तो C1 हमारा ये है, C1 के अंदर एंटर करेगा, देयर इज इन C1 एंड नो EMF इन C2, और C2 के अंदर कोई भी EMF यहाँ पर नहीं होगा. जैसे कि हम यहाँ पर बनाए इंड्यूड EMF बनाना चाहें तो जैसे कि यहाँ पर इसको बना दिया हमने, क्या बना दिया साउथ पोल, इसको बना दिया हमने, क्या बना दिया नॉर्थ पोल. इस तरीके से इंड्यूड EMF की वैल्यू क्या होगी, इंड्यूड EMF यानी E की वैल्यू होगी यहाँ पर V इंटू V वेक्टर इंटू L. तो यहाँ पर E की वैल्यू जो होती है V एल V के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं, सिंस V एंड V आर परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर हम देखें जैसे कि V और V, ये V और ये V आपस में परपेंडिकुलर है और यहाँ पर E हमने निकाला है, ये तो V एंड V आर परपेंडिकुलर डायरेक्शन कैन फाउंड बाई यूजिंग राइट हैंड रूल. तो राइट हैंड रूल से यहाँ पर ज्ञात करें तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ C1 इज डॉट, तो डॉट यहाँ पर होगी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. अगर हम बात करें और C2 की जो वैल्यू होगी, C2 की वैल्यू C2 इक्वल टू E इक्वल टू V इंटू वी एल, तो यहाँ पर C2 V एंड V आर पैरेलल, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन C2 विल बी जीरो. तो C2 के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो जीरो होगा, इसका मतलब नो ईएमएफ इन C2, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा. नेक्स्ट हम देखें एन इलेक्ट्रिक मोटर डेवलपिंग ए स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ 15 न्यूटन मीटर एंड स्टार्ट विथ एन लोड टॉर्क ऑफ 7 न्यूटन मीटर. यूनिट्स आर, इफ द एक्सेलरेशन एट द स्टार्टिंग इज 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम मस्ट बी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम क्या होगा यहाँ पर, तो स्टार्टिंग टॉर्क यहाँ पर दे रखी है 15 न्यूटन मीटर और लोड टॉर्क दे रखी है 7 न्यूटन मीटर. तो यहाँ पर अगर हम एक्सेलरेशन टॉर्क की बात करें तो एक्सेलरेशन टॉर्क आ जाएगी, क्या आ जाएगी एक्सेलरेशन टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क माइनस के लोड टॉर्क, तो यहाँ पर आ जाएगी 15 माइनस के 7 यानी कि न्यूटन मीटर. एंगुलर एक्सेलरेशन हमारा दे रखा है यानी एक्सेलरेशन एट द स्टार्टिंग 2 रेडियन पर सेकंड, तो एंगुलर एक्सेलरेशन यानी अल्फा की वैल्यू दे रखी है 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर. और एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन क्या होगी, जे यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एन ई आर टी आई ए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो जो जे की वैल्यू है यहाँ पर जे इक्वल टू टी ए डिवाइड बाई अल्फा हो जाएगा, टी ए डिवाइड बाई अल्फा, तो टी ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 8 डिवाइड बाई अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, तो ये जे की वैल्यू आ गई मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 के जी पर मीटर स्क्वायर, 4 के जी पर मीटर स्क्वायर. अब यहाँ पर हम 4 के जी पर मीटर स्क्वायर ये निकाल दी हम जे की वैल्यू, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमसे पूछा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाल दिया 4 के जी पर मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट देखें, जैसे कि रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन, ए रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन हैविंग इट्स सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ बोथ द स्टेटर एंड द रोटर वाइंडिंग इंडिपेंडेंट ऑफ द रोटर पोजिशन विल डेफिनेटली नॉट डेवलप, तो इंडिपेंडेंट ऑन द रोटर पोजिशन विल डेफिनेटली नॉट डेवलप द रिलक्टेंस टॉर्क. तो यहाँ पर इंडक्टेंस की बात करें, इंडक्टेंस होता है फ्लक्स लीकेज
लिंकेज डिवाइड बाई करंट, तो यानी कि इंडक्टेंस की वैल्यू हम निकाले यहाँ पर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंडक्टेंस फ्लक्स लिंकेज एन डिवाइड बाई एन टू फाइव। फ्लक्स यहां पर आ जाएगा एमएमएफ डिवाइड, अब इसकी बात करें हम तो एमएमएफ क्या होता है, एन इंटू आई, एन डिवाइड बाई आई The reluctance torque is developed because the reluctance seen by the stator flux variation with rotor movement. But here it is independent of the rotor position. Therefore, the reluctance torque will be zero. So reluctance torque will be zero. इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि independent of the rotor position will definitely not develop the reluctance torque. Next देखें, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, फोर्ड द लीनियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट, फोर्ड द लीनियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। तो स्टेटमेंट की बात करें यहाँ पर, फील्ड एनर्जी इज इक्वल टू द को एनर्जी, यहाँ पर सही है। जैसे कि हम फील्ड एनर्जी को एनर्जी की बात करें, जैसे कि फ्लक्स लिंकेज है, ये हमारा अब फ्लक्स लिंकेज की बात करें हम यहाँ पर, फ्लक्स लिंकेज, और इधर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर करंट की, फ्लक्स लिंकेज एंड करंट। तो यहाँ पर फील्ड एनर्जी और को एनर्जी दोनों यहाँ पर आ जाती है, जैसे कि इस सेक्शन के अंदर हम देखें यहाँ पर आ जाती है, एक तो फील्ड एनर्जी और को एनर्जी, यानी कि डब्ल्यू एफ फील्ड एनर्जी और डब्ल्यू सी को एनर्जी। तो फॉर लीनियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट द फील्ड एनर्जी इक्वल टू द को एनर्जी इन दिस सर्किट, मैग्नेटाइजेशन कर्व इज स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर ये सर्किट के अंदर मैग्नेटाइजेशन कर्व है वो स्ट्रेट लाइन होता है, इसलिए फील्ड एनर्जी है वो को एनर्जी के इक्वलेंट होगी। नेक्स्ट हम देखें, जैसे जैसे देखें हम यहाँ पर, जैसे क्या दिया हुआ है, the developed electromagnetic force and or torque in electromechanical energy conversion system act in the direction that tends to, so that tends to increase the stored the development of electromagnetic force and the torque in electromechanical energy conversion system act in the direction that tends to increase the stored energy at constant MMF. So the electromagnetic force or torque developed in any physical system act in such a direction so as to tends to increase both field energy stored and co energy at constant current or MMF, decrease the reluctance value, यानी रिलक्टेंस की वैल्यू है यहाँ पर, ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, एंड इंक्रीज दी परमियंस एंड इंडक्टेंस। तो परमियंस एंड इंडक्टेंस यहाँ पर इंक्रीज होगा, परमियंस एंड डिक्रीज दी करंट एट कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज और इंक्रीज दी फ्लक्स लिंकेज एट कांस्टेंट करंट। और इसके बाद में हमें क्या करना है, डिक्रीज दी मैग्नेटिक स्टोर्ड एनर्जी एट कांस्टेंट फ्लक्स, ये हमें सारी चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और टॉर्क डेवलप इन एनी फिजिकल सिस्टम एक्ट इन सच ए डायरेक्शन, यानी कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है
या फिर टॉर्क जो डेवलप होती है किसी भी फिजिकल सिस्टम के अंदर, उसके अंदर कुछ जरूरी चीजें होती हैं, या तो वो फील्ड एनर्जी, स्टोर्ड फील्ड एनर्जी को इंक्रीज करेगी, या फिर को एनर्जी को कांस्टेंट करंट एमएमएफ पर इंक्रीज करेगी, दूसरा या तो वो रिलक्टेंस को डिक्रीज करेगी, या फिर वो इंक्रीज करेगी परमियंस और इंडक्टेंस को इंक्रीज करेगी, तीसरा हम कह सकते हैं कि डिक्रीज दी करंट एट कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज, या तो करंट को डिक्रीज करेगी कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज पर, या फिर फ्लक्स लिंकेज को इंक्रीज करेगी एट कांस्टेंट करंट, या तो करंट को डिक्रीज करेगी या फिर फ्लक्स लिंकेज को इंक्रीज करेगी एट कांस्टेंट करंट। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि डिक्रीज दी मैग्नेटिक स्टोर्ड एनर्जी एट कांस्टेंट फ्लक्स, तो मैग्नेटिक स्टोर्ड एनर्जी को भी यहाँ पर कांस्टेंट फ्लक्स पर डिक्रीज करेगी, तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अभी हम देखेंगे ट्रांसफार्मर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन।